साथियों नमस्कार। जिस तरह से आज जो है 9 अक्टूबर है, रात 1 बज रहे हैं और पब्लिक जो दिख रही है आपको, ये पब्लिक इलाहाबाद से निकल कर जो है लखनऊ के लिए जा रही है। लखनऊ में जो है बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती जो है मानवर कांसीराम साहब की पुण्यतिथि मना रही हैं और वहाँ के लिए रवाना हुई है ये पब्लिक। आइए पब्लिक से बात करते हैं कि ये लोग क्या सोच कर जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, क्या मायावती को सुनने जा रहे हैं, क्या ये लोग पैसे के लालच में जा रहे हैं हम सब। तो आपका नाम क्या है? हरिलाल। हरिलाल, हाँ। तो आप जो है बहुजन वॉलंटियर फोर्स से? फोर्स के हैं सर, मैं उसी पे कुर्बानी है बाबा साहेब मतलब मानवर कांसीराम के लिए हम लोग तैयार हैं फुल। अच्छा। हाँ, और क्या कहते हैं वो उनके परिवार दिवस पे हम लोग जा रहे हैं। हाँ, लखनऊ जा रहे हैं जी। सर, सर आपकी जो फोर्स है कितनी की तादाद में फोर्स? अरे करीब करीब 8-7 लोग हैं हम लोग। अच्छा। हाँ, अभी और भी गाड़ियां पीछे लगी हैं। एक गाड़ी पे हैं। अच्छा। प्लस और गाड़ी पे हैं लोग। तो जिस तरह से यहाँ बहुजन वॉलंटियर फोर्स जो है 7-8 लोग जो एक बस पे हैं, आइए जनता से बात करते हैं और जनता से रूबरू होते हैं, क्या कहते हैं, उनकी क्या राय है। तो आपका नाम क्या है? नितिन बौद्ध। नितिन बौद्ध, कहाँ जा रहे हैं आप? लखनऊ। लखनऊ, लखनऊ क्या करने जा रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी के माननीय बहन मायावती जी ने निर्देश दिया है पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत में कि माननीय कांसीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस पर जो बहुजन समाज पार्टी के द्वारा आयोजित है उसमें पूरे विधानसभा के लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। मैं अभी अपनी विधानसभा की टीम के साथ पहुंच रहा हूं जी। विधानसभा क्या है आपका? सुराव 255 सुरक्षित सीट। अच्छा। जो विधानसभा से और भी बस पीछे लगी हैं, कितनी की पब्लिक है, मैं ये जानना चाहता हूं। देखिए एक बस पर लगभग 40-45 सीट होती है और भी बड़ी बड़ी बसें लगी हुई हैं, 6-7 बसें हैं, लगभग 25-30 से प्लस में फोर व्हीलर है। जिस तरह से आप बता रहे हैं हमको लगता है कि कांसीराम उपवन जो स्मारक है वो भर जाएगा कदम रखने की जगह। पूरा पूरा भर जाएगा, बाहर भी लोग बैठ के सुनेंगे बहन जी को। अच्छा जी। चलिए चाचा हैं, चाचा से भी बात करेंगे। चाचा आपका नाम क्या है? पन्ना लाल। पन्ना लाल, तो आप कहाँ जा रहे थे? लखनऊ। अच्छा, क्या करने? बहन मायावती के सुनने जा रहे हैं क्या? अच्छा। जो है रास्ते से चल भी रही है, लगातार चल रही है, रुक नहीं रही है। और यहाँ पे और भी बहुजन वॉलंटियर फोर्स के लोग हैं, उनके साथ में काफ़ी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। जो है बहन जी को सुनने जा रहे हैं और बहन जी जो है लगता है और सुनने को मिला है कि यहीं से बिगुल छेड़ा जाएगा 2022 के लिए। आइए हम बात करते हैं इन लोगों से, क्या कहते हैं लोग। आपका परिचय क्या है? मैं अश्विनी कुमार गौतम, BBFCO सुरहा विधानसभा, बसपा। बसपा से? अच्छा, BBF के अध्यक्ष? हाँ, CO में इंचार्ज हूँ। अच्छा, चार्ज है। 255 लोग हैं मेरे अंडर में। सुराहा विधानसभा है, 255 विधानसभा है और मानवर कांसीराम पुण्यतिथि है और मेरे अंडर 255 लोग हैं। मेरे पीछे कमला देवी हैं, BBF दरोगा हैं। अच्छा अच्छा। और मैं चाहता हूं कि इस समय अराजकता बहुत ज़्यादा फैल चुका है, भाजपा गवर्नमेंट है, जगह जगह हत्याएं लूटपाट हो रही है और हम तो 15 साल से राजनीति कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ फिर फुल बहुमत से मान्या बहन जी गवर्नमेंट बने और सारे गुंडे जो है जेल में जाएं। मान्या बहन जी के पेट्रोल डीजल, मान्या बहन जी में महंगाई उतनी ज़्यादा नहीं रहती है, भाजपा गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा महंगाई है। तेल जो कोरोना सिस्टम बना रहे हैं, कोरोना सिस्टम में तेल जो है 100 रुपया 105 रुपया लीटर मिलता था, इस समय 200-150 रुपया किलो मिल रहा है। इस समय गरीब आदमी का बहुत ज़्यादा दिक्कत है। मान्या बहन जी का सिस्टम है गरीब आदमी को मदद, ऐसे ऐसे हत्याएं हो रही हैं तो हमारा देश क्या विकास करेगा? हमारे जो है दलित समाज के बच्चे तो बेरोजगार हो जाएंगे, फीस कोरोना में स्कूल खुली नहीं, फीस पूरी ले रहे हैं, हमारे बच्चे क्या करेंगे? क्या लगता है कहाँ जा रहे हैं आप? जी हम लखनऊ जा रहे हैं। लखनऊ जा रहे हैं आप? इलाहाबाद से लखनऊ जी, अभी रास्ते में ही हैं, ज़्यादा दूर नहीं, 10 किलोमीटर का फ़र्क है जहाँ से चले हैं जी। क्या करने जा रहे हैं? हम बहन जी की रैली है, उसे मानवर कांसीराम जी का परिनिर्वाण दिवस भी है, उनकी श्रद्धांजलि के लिए हम लखनऊ जा रहे हैं। क्या आप बहुजन समाज पार्टी से कोई कार्यकर्ता या पदाधिकारी हैं क्या? जी हाँ, बहुजन समाज पार्टी से सेक्टर अध्यक्ष हैं। सेक्टर अध्यक्ष जी, जामा से, सुराव विधानसभा 255। जो है मानवर कांसीराम साहब की पुण्यतिथि है, क्या कहना चाहेंगे?
जी इसमें हम पूरी जनता को कहना चाहेंगे कि आज मान्यवर काशीराम जी का पुण्यतिथि है, तो मान्यवर काशीराम ने अपना पूरा जीवन इस बहुजन समाज पार्टी को सुधारने में लगा दिया। ये दबले कुचले जो लोग थे उनको राजनीति में लाने का अगर किसी ने काम किया तो मान्यवर काशीराम जी ने किया है। उन्हें एक नई दिशा दी है और उसको पूरा करने के लिए बहन मायावती जी ने अपना पूरा उन्होंने भी अपना पूरा जीवन लगा दिया। और मेरा नाम अक्षय कुमार है। श्री कुमार नाम है आपका? कहाँ से? अक्षय कुमार। कहाँ से? बेनियापुर सुराम जान। अच्छा, अभी आप युवा हैं। युवाओं का जो है बहुत मांग बढ़ गया है बसपा में, क्या लगता है आप बहुजन समाज पार्टी की तरफ बढ़ रहे हैं? क्यों नहीं बढ़ेंगे? आई होप, जैसे कि मैं उम्मीद करता हूँ कि 2022 में बहन कुमार मायावती जी की सरकार बनाने के फुल सपोर्ट करेंगे। अच्छा, चाचा आपका नाम क्या है? हमारा नाम संजीव कुमार गौतम। कहाँ से? चक अफजलपुरी लीला जामहक पास। बस में जो है सभी लोग बैठे हैं जो लखनऊ के लिए रवाना होते हैं, लखनऊ जा रहे हैं। हाँ, तो वहाँ कांशीराम साहब क्या करने लखनऊ जा रहे हैं? वहाँ पे जा रहे हैं मान्यवर कांशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस मनाने के उपलक्ष में जा रहे हैं, और बहन जी वहाँ पे कुछ अपना स्पीच देंगे उसको सुनने के लिए जा रहे हैं। और आने वाली जो 2022 की विधानसभा चुनाव होगा उसमें हम लोग बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और लोगों को जो है उससे अवगत कराएंगे कि बहन जी की जो बहुजन समाज पार्टी है वो देश हित में और लोगों के हित में, युवाओं के हित में, शासन सत्ता के हित में कैसे भागीदारी है। उन्होंने आपकी बार पांचवी बार मुख्यमंत्री हम लोग उनको बनाएंगे और लोगों को, युवाओं को रोजगार और आम जनता का जो जनजीवन है उस पर जो है पूर्ण अधिकार। और बहन जी के शासनकाल में हम पहले भी देख चुके हैं कि पहले जैसे विद्यालय हुआ करते हैं उसमें मास्टर को 10 बजे पहुंचना था तो 9 बजे पहुंच जाया करते थे। मायावती के शासनकाल में जो है बहुत कड़ाई थी, आपके कहने का मतलब यह है। अभी हमने युवा की बात की थी तो एक युवा और मिले हैं और काफ़ी तेज तर्रार दिख रहे हैं हमें, क्योंकि देखने से ही लगता है उनके कंधे पर और गले पर जो है नीले रंग का गमछा है। तो आइए इनसे बात करते हैं, युवा की ज़रूरत है बहुजन समाज पार्टी में, तो आपका क्या कहना है युवा की? मेरा ये कहना है कि जब तक युवा एक नहीं होंगे तब तक बसपा सरकार नहीं बना पाएगी, इसलिए अब की बसपा युवाओं को ज़्यादा जोर दी है। इसलिए युवा भी आज दिनांक 9 अक्टूबर को मान्यवर काशीराम साहब जी के 15वें परिनिर्वाण दिवस पर लखनऊ जा रहे हैं और वहां पर बहन कुमारी मायावती जी युवाओं को संबोधित करेंगे और उनको उनके हित की बातें करेंगे। लगातार हम जो है युवा की बात कर रहे हैं और इस बस में हमें जो है युवा काफ़ी तादाद में दिख रहे हैं। एक युवा और है वो काफ़ी तेज तर्रार दिख रहे हैं हमें बस में, हम उनसे भी बात करेंगे युवा को लेकर। अभी इस प्रदेश में बहुत सारे मामले चल रहे हैं, देखा जाए तो किसान आंदोलन चल रहा है। किसान आंदोलन में जो है गृह राज्य मंत्री के बेटे ने गाड़ी से कुचल दिया और रौन दिया कीड़े मकोड़े की तरह लोगों को, तो क्या आप सोचते हैं, क्या नज़र है आपके? देखिए, हम ये कहते हैं कि जो किसान है वो देश की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, तो हमारे किसान भाइयों के साथ जो अत्याचार होता है ये बहुत ही निंदनीय है। यहाँ तक कि हमारे जो विपक्ष के नेता हैं, चाहे हम माननीय चंद्रशेखर रावण भाई को मान लें या सतीश मिश्रा बहन जी या फिर साध्वी सावित्री बाई फूले, सावित्री बाई फूले को जो है जिस तरह से हमने देखा उनका वीडियो, बहुत ही शर्मनाक तरीके से महिला कांस्टेबल थी उनको बाल पकड़कर खींचा गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महिला के साथ इतनी जोर जबरदस्ती करना बहुत ही निंदनीय है, ये बीजेपी सरकार की तौहीन है सरासर, हम इसकी सरासर निंदा करते हैं। और इसके साथ एक महिला प्रियंका गांधी, उनको भी रात भर गेस्ट हाउस में कैद रखा गया। कि विपक्ष के सारे नेताओं को परिवार, जो पीड़ित परिवार, उससे क्यों नहीं मिलने दिया जाता? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ किस कानून के तहत उनको रोका जा रहा है? लगातार सभी पार्टी के नेताओं को रोका जा रहा है, क्या कहीं आपको ये नहीं लगता कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है? बिल्कुल सरासर हत्या की जा रही है। जब से बीजेपी की सरकार बनी है, 2014 से बनी है आज तक, जब से बीजेपी की सरकार बनी है पूरी लोकतंत्र की हत्या ही हो रही है। इसी सरकार में भारतीय संविधान जलाया जाता है जो बेहद शर्मनाक है।
इसी सरकार में हाथरस की घटना होती है, हमारे प्रयागराज में श्रद्धा पासी की घटना होती है, उसका रेप कर दिया जाता है। बीजेपी की सरकार पूर्णतः ही लोकतंत्र की हत्या कर रही है और इसीलिए हम लोग 2022 में योगी जी को यहाँ से विदा करेंगे और माननीय बहन मायावती जी को उत्तर प्रदेश का सीएम बनाएंगे। क्या जिस तरह से यहाँ पे युवाओं को सुनने को मिल रहा है और बहुत बुजुर्ग लोग थे और ज़्यादा यहाँ देखा गया कि युवा जो है काफ़ी जोश में हैं और वो कह रहे हैं कि 2022 में बहन माननीय मायावती जी को 2022 में मुख्यमंत्री बनाकर छोड़ेंगे। जिस तरह से आपको बताएं तो लखनऊ को लेकर लखनऊ में खचाखच मैदान स्मारक भर चुका है, जिस तरह से नीले रंग से रंग उठा है 8 तारीख से ही देखा जा रहा है और आज सुबह का 1 बज रहा है और इलाहाबाद तरफ से जो है बहुत सारे जिले तरफ से जो है बसें निकल चुकी हैं लखनऊ के लिए रवाना हो चुके हैं और 9 तारीख को इस तरह से लखनऊ को नीला कर दिया जाएगा, शायद भगवाधारी डर जाएंगे।